से दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा पत्र। दिनेश खटीक ने अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। जल शक्ति राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक। पत्र के आखिर में त्याग पत्र देने की बात लिखी है। जल शक्ति राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक। अमित शाह को पत्र भेजकर त्याग पत्र देने की बात लिखी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पत्र। राज्य मंत्री दिनेश खटीक दिल्ली रवाना। दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा पत्र। और इसी खबर पर हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु त्रिपाठी जुड़ गए हैं। शांतनु जी, दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा अमित शाह को भेजा है। जी प्रबोध जी, देखिए दिनेश खटीक काफी दिनों से आहत थे किसी चीज को लेकर। उन्होंने वहां पर पहले अपना एस्कॉर्ट भी कुछ दिन पहले वापस कर दिया था, फिर वहां अधिकारियों ने काफी उनको मनाया, तब उन्होंने अपना एस्कॉर्ट वापस लिया। तो इससे ये लगता है कि वो पहले से ही किसी चीज को लेकर, विभागीय कार्यों को लेकर आहत थे, जिस कारण से ये आगे की जो चीजें देखने को मिल रही हैं, इस्तीफे की जो बात आई है सामने, वो उसी कड़ी में है। चंद्र जी, दिनेश खटीक का खटीक समाज पर अच्छा खासा प्रभाव है, और क्या अगर इस्तीफा इन्होंने भेजा है तो क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनका इस्तीफा मान सकता है? देखिए भाजपा जो है वो भाजपा में दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है और खटीक वोट बैंक भी काफी हद तक शिफ्ट हो गया है बीएसपी से टूटकर। तो हो सकता है कि अभी दिनेश खटीक के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया जाए। वैसे भी इस्तीफा जो वायरल हो रहा है, जो चिट्ठी सामने आई है, वो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भेजी है। टेक्निकली उनको इस्तीफा अपना राज्यपाल को देना था और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि उनका इस्तीफा यूपी के राज्यपाल ही स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत। जी शांतनु जी, दिनेश खटीक के अलावा जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद की भी नाराजगी की बात सामने आ रही है, चूंकि पीडब्ल्यूडी में अभी स्थानांतरण में अभी कार्रवाई हुई है, निलंबन हुए हैं, तो ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि जितिन प्रसाद भी नाराज चल रहे। जी शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु त्रिपाठी। दिनेश खटीक राज्य मंत्री, उन्होंने अमित शाह को पत्र भेजा है और आखिर में लिखा है, त्याग पत्र की बात कही है और अपनी उपेक्षा से नाराजगी जताई है। कैबिनेट मंत्री नहीं सुनते हैं, ये आरोप लगा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। थाने में मुकदमे दर्ज नहीं होते, ये उनको इस बात की भी बड़ा कष्ट है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कुल मिलाकर दिनेश खटीक ने इस्तीफे की पेशकश की है।